एलएसी से लेकर एलओसी तक जबरदस्त तनाव है, क्योंकि हिंदुस्तान के दो दुश्मन एक साथ मिलकर लगातार खौफनाक साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, समंदर में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसे अदृश्य शूरवीर को तैयार किया गया जो पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता है। आखिर कौन है पीएम मोदी का साइलेंट किलर, जिसकी दस्तक से ही ब्लू वॉर जोन थर्रा जाएगा? आप खुद देखिए नीले समंदर में हिंदुस्तान का फिफ्थ जनरेशन सुप्रीम कवच द डेडली स्कॉर्पियन किंग। घुसपैठिए ड्रैगन और नापाक साजिश रचने वाले पाकिस्तान के साथ विवाद युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। भले ही दोनों मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी हरकतें किसी दुश्मन से कम नहीं है, और इसी के चलते भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है, ताकि किसी भी वक्त दोनों दुश्मन देशों को माकूल जवाब दे सके। हिंदुस्तान ने अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी का चीन और पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। एलओसी से एलएसी तक अगर कोई भी हिमाकत हुई तो अंजाम बुरा नहीं बल्कि बेहद खौफनाक होगा, और अपने इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने ड्रैगन और पाकिस्तान के खिलाफ नीले समंदर में प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट 75, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जमीन और आकाश के बाद ब्लू बैटल ग्राउंड में इंडियन नेवी को ताकतवर बनाना। इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत ने फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को तैयार किया, जिसे नाम दिया गया INS वागीर। इन तस्वीरों को गौर से देख ले चीन और पाकिस्तान, यह हिंदुस्तान का सबसे सॉलिड और सबसे घातक सुरक्षा कवच है, जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया। मुंबई के मझगांव डॉक पर स्कॉर्पियन क्लास की फिफ्थ सबमरीन का इंडक्शन हुआ। INS वागीर को नौसेना में शामिल करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की गई INS वागीर एडवांस वेपन और हाईटेक डिफेंस सिस्टम से लैस है। नीले समंदर की गहराई में हिंदुस्तान का यह दृश्य लड़ाका दुश्मनों के होश फाख्ता कर देगा। यकीन मानिए, समंदर वाले वॉर जोन में ये साइलेंट किलर 2400 घंटे सातों दिन एक्टिव मोड पर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर की समुद्री सीमा में चीन और पाकिस्तान ने कोई भी प्लान तैयार किया तो पांचवी पीढ़ी का ये जंगबाज समंदर में ही दुश्मनों की कब्र बना देगा। INS वागीर एक ऐसा समुद्री योद्धा है जिसके सुरक्षा कवच को भेद पाना किसी के बूते की बात नहीं। आखिर ये पनडुब्बी कैसे गहरे समंदर में दुश्मन को टारगेट करेगी, कैसे जहाजों और पनडुब्बियों को समंदर में घुसपैठ करने से रोकेगी? आखिर इस पनडुब्बी के भीतर का वॉर रूम कैसा है? कैसे इसकी मिसाइल और टॉर्पीडो पानी को चीरते हुए दुश्मनों के बेड़े को नेस्तनाबूद करेंगे? पहले ये आपको बताते हैं। स्कॉर्पियन क्लास की फिफ्थ जनरेशन INS वागीर एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, समंदर में माइंस बिछाना और एरिया सर्विलांस का काम करती है। भारतीय नौसेना में INS वागीर जैसे साइलेंट किलर के आने से ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, क्योंकि स्कॉर्पियन श्रेणी की इस पनडुब्बी के जरिए एक साथ दो फ्रंट पर टारगेट किया जा सकता है। INS वागीर न सिर्फ पानी की सतह के ऊपर बल्कि पानी के भीतर भी दुश्मनों के खिलाफ आमने सामने की जंग लड़ सकती है, और इसी डेडली वेपन का सबसे अहम हथियार है दुश्मनों की वॉर प्लान की हर अपडेट और जानकारी जुटाना। सॉलिड एरिया सर्विलांस सिस्टम के जरिए INS वागीर हर मिशन की सटीक जानकारी का पता कर सकता है। यानी समंदर में दुश्मनों के लिए काल बनेगी INS वागीर। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे
कि सिर्फ आईएनएस वागीर ही नहीं बल्कि इससे पहले भी स्कॉर्पियन श्रेणी के 4 पनडुब्बियां लॉन्च हो चुकी है। सबसे पहली पनडुब्बी आईएनएस कलावारी, जिसे साल 2017 में लॉन्च किया गया। इसके बाद खंडेरी, करंज और वेला पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया और ये सभी प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ। लेकिन अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, जल्द ही हिंदुस्तान स्कॉर्पियन श्रेणी की एक और पनडुब्बी की लॉन्चिंग करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।